क्या आप लोग भी रेजर और वैक्स का इस्तेमाल करते करते परेशान हो गए हो, क्योंकि ये अनवांटेड हेयर इनका जब मन करे ये चले आते हैं और आपको हर 15 दिन के गैप में अपना फेस को या तो रेजर करना पड़ता है या फिर वैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको कर करके आप बहुत परेशान हो गए हो ना, तो आपने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी दो रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप 30-40 डेज में ही अपनी बॉडी हेयर को या फिर अपने फेशियल हेयर्स को अच्छा खासा रिड्यूस कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ दो रेमेडी बताई हैं और दोनों आपके हेयर रिमूव करने के लिए ही हैं। आप पूरे बॉडी के भी हेयर रिमूव कर सकते हैं और अपने पूरे फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट रेमेडी है उसमें थोड़े से ज्यादा इंग्रीडियंट लगेंगे, बट वो बिल्कुल मैजिक की तरह आपके ऊपर वर्क करेगी। और जो सेकेंड रेमेडी है वो बहुत ईजी है, उसमें बहुत कम इंग्रीडियंट लगेंगे। जो सेकेंड रेमेडी है उसको आपको एटलीस्ट 90 डेज तक अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो फर्स्ट रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। 30-40 डेज में ही आपका जो भी अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं फेस पर या बॉडी पर, धीरे धीरे कम होने लगेंगे और एकदम पूरे हेयर्स आपके गायब नहीं होते हैं कि आपने कोई भी रेमेडी अप्लाई की और आपके बॉडी के फेस के सारे हेयर्स गायब हो गए। जितने आपके हेयर्स बॉडी पर फेस पर थिक आ रहे हैं वो धीरे धीरे थिन होंगे एंड देन धीरे धीरे हेयर्स की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आपको 15-20 डेज में अपने हेयर्स को या तो वैक्स करवाना पड़ता है या फिर आपको रेजर से क्लीन करने पड़ते हैं, तो ये झंझट आपका खत्म हो जाएगा। आप 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 3 मंथ भी कभी वैक्स नहीं भी करवाएंगे तो भी चल जाएगा। इस रेमेडी को आपको थोड़े टाइम तक अप्लाई करना पड़ेगा बेहतर रिजल्ट्स के लिए। चलिए बताती हूँ इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, और जितनी क्वांटिटी में आप मिल्क ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें वाटर ऐड करना है। मैंने इसको एक भगोनी में निकाल लिया था क्योंकि अभी इसको हमें फ्लेम पर रखना है, तो दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने, मिल्क को और वाटर को, और फिर मैंने हाई फ्लेम पर इसको रखा था और इसी टाइम पर मैंने ऐड कर दी थी शुगर। और एक बार आपको इसको हाई फ्लेम पर रखना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और जैसे ही इसमें एक बार बॉयल आ जाएगा एंड देन आपको मीडियम फ्लेम कर देना है। और इस रेमेडी में आपको लो फ्लेम नहीं करना है, मीडियम पर ही रखना है जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। और थोड़े टाइम में ये थिक कंसिस्टेंसी में आने लगेगा, बट ये ध्यान रहे कि वो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं हो पाएगा। आप चाहे जितने इसको फ्लेम पर रखे रहेंगे तो आप घबराना नहीं, टेंशन मत लेना कि ये बहुत ज्यादा थिक नहीं हो पा रहा है। इतना देख लेना कि वो उसकी जो जितनी भी आपने क्वांटिटी ली है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तभी आपको फ्लेम पर से इसको हटा लेना है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये थिक वाली फॉर्म में आ चुका है। अब हमें यहाँ से प्रिपेयर करनी है अपनी पूरी रेमेडी, और हमें यहाँ पर लेना है बेसन। आपको पता ही होगा कि बेसन टैन भी रिमूव करता है। बेसन और हल्दी का जो हम पेस्ट बनाकर अक्सर अपनी टैन रिमूवल के लिए भी यूज करते हैं, तो अगर आपके टैन वगैरह भी हो रखी है ना, तो ये टैन वगैरह को भी रिमूव कर देगा। हमारे स्किन के ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है वो काली काली सी, तो उससे ना बहुत ही गंदी हमारी स्किन दिखती है। इसको एक दो बार अप्लाई करने से ही आपकी टैन भी पूरी रिमूव हो जाएगी और बाकी का आपको जो हेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली रिमूव होंगे। एंड देन इसमें हमने ऐड करना है कोकोनट ऑयल, उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और बहुत बार हल्दी का यूज करते टाइम लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे फेस पर, हाथ पैरों पर एक पीलापन छूट जाएगा, फिर हम कहीं पर भी जाएंगे तो वो पीलापन दिखेगा या हमें मेकअप से छुपाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हल्दी आप वाइल्ड टर्मरिक यूज करो, कसूरी हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है। जो आप खाते हो किचन की हल्दी वो नहीं करनी है, वही पीलापन छोड़ती है, बट आप वाइल्ड टर्मरिक लेकर आओ और उसको रेमेडीज में इस्तेमाल किया करो, वो बिल्कुल भी पीलापन नहीं छोड़ती है। और अगर आपको इंस्टेंट लगे हटाते टाइम कि पीलापन हो गया है, तो वो एक दो बार के वॉश से ही हाल क्लीन हो जाती है। और इसी तरह ये पेस्ट को आपको अपने हाथ पैरों पर, बॉडी पर, फेस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एक थिन लेयर लगानी है पेस्ट की, उसके ऊपर आपको एक थिक लेयर चढ़ानी है और फिर आपको 15-20 मिनट्स तक वेट करना है जब तक ये पूरी तरीके से इसे ड्राई नहीं हो जाता। और हाँ, थोड़ा सा गीला गीला भी रहने देना, एकदम ड्राई मत कर लेना, नहीं तो आपको जब आप हटाओगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसीलिए आप हल्का सा गीला रहने देना जैसे मैंने रहने दिया है। और सेमी ड्राई होने के बाद इस तरीके से ही हैंड्स की हेल्प से आपको मास्क को पूरा रिमूव करना है, और थोड़ा बहुत अगर रह जाता तो आप वाटर की हेल्प से वॉश कर सकते हैं। और
उसके बाद आप काफ़ी ग्लो भी करोगे, बट इसके 30 to 40 days के बाद आप देखोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी रिड्यूस होगी। चलिए बताती हूँ आपको सेकेंड मास्क की किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा जो होता है उससे बचपन में बच्चों की लोई भी की जाती है। आप लोगों की भी लोई हुई होगी वो बचपन में गेहूं के आटे से। तो गेहूं का आटा जो होता है इतना मैजिकल वर्क करता है, इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि बचपन में ही आटे से लोई कर देते हैं ताकि बच्चों के इधर से उधर से बाल ना निकलने लगे। और सेम आपको सेकेंड रेमेडी के लिए भी मिल्क चाहिए, बट इस बार आपको मिल्क को बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बट हाँ रॉ मिल्क आपको एज इट इज लेना है। आपको कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है, और इसमें हमने ऐड किया है सबसे पहले गेहूं का आटा और फिर इसमें हमने वही रॉ मिल्क मिला दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे एंड देन फिर हम इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर देंगे, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा हल्दी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी हम हल्दी मिलाएंगे। और इसका पेस्ट भी आपको बहुत थिक बनाना है, और दोनों पेस्ट आपको थिक ही बनाने हैं, रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल बहता हुआ सा बन जाए पतला पतला, नहीं आपको दोनों पेस्ट काफी थिक बनाने हैं। और यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा पतला हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा और मिला दिया था, फिर मैंने इसको थिक कर लिया था। अब मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा, अगर आप पूरे फेस पर भी अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ आप अपने अपर लिप्स फोरहेड वगैरह यहीं पर अप्लाई कर लें जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी फेस पर पूरे फेस पर हेयर्स नहीं आते हैं बट अपर लिप्स पर थोड़े ज्यादा हेयर्स आते हैं, किसी किसी के बियर्ड साइड पर भी आते हैं, तो आप वहां पर भी इसको अप्लाई कर लें। उसके बाद आपको इसको ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा और अच्छे से ड्राई कर लें, बस थोड़ा बहुत ही गीला बचे बट ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप अपने हैंड्स की हेल्प से भी हटा सकते हो या फिर किसी टिश्यू पेपर वगैरह की हेल्प से हटा लेना, और देखो कितने कमाल लग रहा है। ये रेमेडी को अप्लाई करते टाइम ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि हेयर रिमूवल क्रीम की तरह आपके हेयर्स एक बार में ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी को आपको थोड़े टाइम तक अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो फर्स्ट वाली रेमेडी मैंने बताई है इसको आपको 30 to 40 days अप्लाई करेंगे, और डेली आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीक में 1 time कर रहे हैं 2 time कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर डेली अप्लाई कर सकते हैं। जहां जाके आप चाहते हैं कि हेयर कम आए, हेयर की ग्रोथ कम हो, आप ये रेमेडीज को अप्लाई करके जरूर देखना और फिर मुझे कमेंट्स में आकर बताना कि आप लोगों के लिए ये कितना वर्क करे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज।